हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल गार्डनर राजीव पे। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि किसी पौधे को प्रूनिंग करने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। ये मेरे गुलाब के फूल हैं और इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, जिससे ढेर सारे ब्रांचेज निकले और सभी ब्रांच में कलियाँ आई हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे चाइनीज़ रोज हैं, जिसकी मैंने ग्राफ्टिंग की थी। उसके बाद एक दो ब्रांच निकले, जिसकी प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ढेर सारे ब्रांचेज निकल आए हैं और सभी में लगभग नए नए कलियां आ चुकी हैं। ये देखिए इसमें कितने सारे कलियां हैं। आप भी चाहे तो अपने पौधों में प्रूनिंग अवश्य करें, जिससे ढेर सारे ब्रांचेज आएंगी और उसमें ढेर सारे फूल लगेंगे। ये देखिए मेरे सदाबहार के कुछ पौधे हैं, जिसकी प्रूनिंग की थी और इसमें से नए नए ब्रांच निकल रहे हैं और ढेर सारे फूल उग रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए ये देखिए कितने सारे ब्रांचेज निकल आए हैं और एक साथ ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी पौधा को, जिससे ढेर सारे ब्रांचेज निकलते हैं और उसमें कई सारे कलियाँ आएंगी और फूल खिलेंगे। ये मेरे एडेनियम की हैं, जो लगभग एक डेढ़ साल पुराने पौधे हैं। पहले ये सिंगल ब्रांच थे, लेकिन मैंने जब इसकी प्रूनिंग की है तो आप देख सकते हैं इसमें से कई सारे ब्रांचेज बाहर आ रही हैं। इसलिए एडेनियम की प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जितने सारे ब्रांचेज आएंगे उतने सारे फूल खिलेंगे। तो प्रूनिंग करने के यही सब फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने पौधे की प्रूनिंग की होगी और ढेर सारे फूल प्राप्त किए होंगे। देख सकते हैं मैंने 6 प्लांट मंगवाई थी, जिसमें नए नए ब्रांचेज निकल रहे हैं और ये ढेरों सारे फूल खिलेंगे। इसके भी अपडेट मैं आपको एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा। एडेनियम की एक रिपोर्टिंग की भी वीडियो मैंने डाली है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिपोर्टिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे इसकी जड़ों के बारे में पता चल सके। ये देखिए इसकी प्रूनिंग की थी और इसमें कितने सारे ब्रांचेज निकल आए हैं और कलियाँ भी आने लगी हैं। कुछ दिनों में इसमें फ्लावर्स भी आने लगेंगे। ये मोगरे के पौधे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कलियाँ आनी शुरू हो गई है। ये सब गर्मी में उगने वाले फूल हैं, ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ही फूल देते हैं। ये मेरा लिली का प्लांट है, जिसमें बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद इसमें एक फूल आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में।